तो मैं रश्मि आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ रश्मिस किचन में। तो आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ चिकन टिक्का की रेसिपी, और आज हम देखेंगे कि चिकन टिक्का हम कैसे इजी तवे पे बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें सो डेट यू विल नेवर मिस अ वीडियो। तो लेट्स स्टार्ट। तो चिकन टिक्का बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे दही, 2 चम्मच दही लेना है हमें। ऐड करते हैं रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच नमक, ब्लैक पेपर, 1 चम्मच सोया सॉस छोटी चम्मच से, 1/2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, और ऐड करना है थोड़ा सा कस्तूरी मेथी, और इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और 4 से 5 चम्मच तेल सरसों का आपको गरम कर लेना है, ऐसा गरम करना है कि बिल्कुल उसे धुआं निकले, उसके बाद इसमें ऐड करना है। तो चलिए ऐड करते हैं और इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। और कलर के लिए आप इसमें ऐड कर दें 1 से 2 चम्मच कश्मीरी चिली पाउडर, जो कि तीखा नहीं होता है, आप आराम से इसमें ऐड कर सकते हैं सिर्फ कलर के लिए। और अच्छे से मिक्स कर देते हैं हम इसे। देखिए हमारा मैरिनेशन जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है, हमारा मैरिनेशन अभी रेडी हो गया है। चलिए हम इसमें चिकन के पीसेस ऐड कर देते हैं। तो पहले ऐड करूंगी मैं इसमें प्याज, ऐसे डाइस शेप में मैंने इसे कट कर लिया है। उसके बाद उसमें ऐड करते हैं चिकन के पीसेस, इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। हाथ से ही मिक्स करूंगी मैं ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए मसाला हमारा चिकन में। अच्छे से अभी मिक्स हो चुका है और कोटिंग भी हो गई है इसके अच्छे से। तो चलिए इसे मैरिनेट करने के लिए हम रेस्ट करने के लिए रख देते हैं ताकि और अच्छे से मैरिनेट हो जाए। तो इसे क्या करना है, 20 से 30 मिनट के लिए अच्छे से रख देना है, मैक्स टू मैक्स 30 मिनट, आप चाहे तो 20 मिनट तक भी रख सकते हैं। तो चलिए इसे रेस्ट करने देते हैं। तो 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, अभी मैं इसमें ऐड कर दूंगी थोड़ा सा नींबू का रस, थोड़ा सा चाट मसाला, और ये डाल के हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। चलिए अभी हम इसे स्टिक पे लगाते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्टिक ले लिया है। तो सबसे पहले हम अपने प्याज को लगाएंगे, उसके बाद डालेंगे चिकन, एक एक करके अब हम ऐसे सारे चिकन के पीसेस इसमें ऐड कर देंगे। ये रेडी है, इसी तरह हम दूसरे स्टिक में भी लगा लेंगे। तो दोनों स्टिक्स में मैंने लगा दिए अपने चिकन, और चलिए अब हम इसे अपने पैन पे फ्राई करते हैं। तो चिकन टिक्का फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे पैन गरम कर लिया है, अब इसे तेल से ब्रश कर देते हैं। और 1 मिनट के लिए हम इसे ऐसे पकाएंगे, और उसके बाद हम इसे टर्न करके फिर से 1 मिनट के लिए पकाना है हमें। 1 से 2 मिनट के बाद हम इसे टर्न कर लेंगे। चलिए इसे टर्न करके दूसरी तरह से पका लेते हैं। और देखिए हर तरफ से मैंने इसे पकाया, अभी क्या करेंगे बटर से थोड़ा सा ब्रश कर देते हैं और फिर से अच्छे से इसे करेंगे ताकि इसका ग्रिलिंग इफेक्ट जो है और भी अच्छा आए। तो देखिए ये कितने अच्छे से सिक गया है और ये ऑलमोस्ट रेडी है। अगर आपको और चाहिए कि जो ग्रिल होता है चिकन को वैसा और चाहिए तो हम गैस पे भी डायरेक्टली इसे कर सकते हैं। तो हमारा चिकन टिक्का जो है वो रेडी है, चलिए हम इसे सर्व कर लेते हैं। रेडी है हमारा चिकन टिक्का, आप इसके ऊपर चाट मसाला और नींबू डाल के घर में एंजॉय कर सकते हैं।